नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस डेलीगेट। आज मैं अपने बंगाली दोस्त लोगों के लिए एक महाराष्ट्रियन डिश लेके आया हूँ। क्या आप गेस कर सकते हो कि यह डिश कौन सा डिश है? जितना कलरफुल यह डिश है, उतना ही कलरफुल उसके इंग्रेडिएंट्स भी है। शायद आपने सही गेस किया, यह पाव भाजी है। इसके लिए हमें चाहिए पाव, कांदा चॉप, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड कैरेट, कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस, टमाटर चॉप, चॉप्ड ग्रीन चिलीज और मैश पोटैटो। मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। पहले हम कुकर लगा लेंगे, फिर कुकर में सारे भाजी डाल देंगे, कॉलीफ्लावर, गाजर, कैप्सिकम, ग्रीन पीस। सारे डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के 5 से 6 सीटी लगा के उबाल लेंगे। उसके बाद एक सॉसपैन में 1 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून जीरा, 2 चॉप्ड अनियन, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 चॉप्ड टोमेटो डाल के अच्छे से पका लेंगे। नेक्स्ट हम डालेंगे चॉप्ड हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और पाव भाजी मसाला। उसके बाद सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके पकाना है। कोलेस्ट्रॉल है, रेसिपी बंद कर दीजिए, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें लगते हैं ढेर सारे बटर। अब देख सकते हो मैंने तवा का इस्तेमाल नहीं किया। देखते हैं क्या बनता है और कैसे बनता है। मज़ा आने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पांच से छह सीटी के बाद अपना वेजीज तो खिचड़ी बन गया है। अभी इसमें मैश पोटैटो डाल के सारे वेजीज के साथ हमें अच्छे से मैश कर लेना है। अभी इसी मैश वेजीज को हम अपने सॉसपैन वाले मसाले में मिला देंगे। ख्याल रखिए कि वेजीज अच्छे से मैश होना चाहिए। अभी इसमें हम होममेड टोमेटो प्यूरी डालेंगे और मिला लेंगे। आपने देखा होगा पाव भाजी के रंग बहुत ही स्पाइसी रेड कलर होता है, ये टोमेटो प्यूरी वो कलर लाने में हेल्प करेगा। अब देख सकते हो भाजी कितना खूबसूरत दिख रहा है। अभी इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम एक तवा में 1 टेबलस्पून बटर लेंगे और अपने पाव को बटर में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। पाव भाजी जितना बटरी होता है उतना उसका टेस्ट होता है। भाई पूरे साल में हम बॉसेस को जितना मक्खन लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मक्खन इस रेसिपी पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये साल कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। क्या बोलता है भाई लोग? तो चलिए अभी फटाफट गार्निश कर लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। बढ़िया दिख रहा है ना अपना पाव भाजी, खाने में भी जबरदस्त है। जरूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो बन गया आपका पाव भाजी बिना तवा यूज किए। ट्राई कीजिए, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डिफेंस डेलीगेट। साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे।